हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आई होप यू आर डिंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एस SI और कांस्टेबल के अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल साइंस पार्ट को उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं और जी में हम एम वाइज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी कंप्यूटर साइंस एंड करंट अफेयर्स की तो इन सभी वीडियो को हम एम सी क्यूज फॉर्म आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी पार्ट को अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी हम और प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो आपका सब्सक्रिप्शन आपका वीडियो को एक लाइक तो हमें हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें इंस्पायर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ विच रिवर इन इंडिया फ्लोज बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्या रेंज इन रिफ्ट वैली सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि रिफ्ट वैली क्या होता है ठीक है रिफ्ट वैली को हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं या दरार वाली घाटी भी कहते हैं तो दो प्लेट्स होती हैं कॉन्टीनेंटल प्लेट्स हैं ठीक है, है ये प्लेट वन ये प्लेट टू जब ये एक दूसरे से दूर हटती हैं तो बीच में एक घाटी का निर्माण हो जाता है ठीक है घाटी तो इसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये एक रिफ्ट वैली है ठीक है इसमें से एक नदी फ्लो हो रही है तो हमसे पूछा गया है सतपुरा एंड विंध्या के बीच में कौन सी रिवर बहती है तो यह है नर्मदा रिवर तो नर्मदा रिवर जिसका ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक प्लेटियो ठीक है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में पड़ता है तो अमरकंटक प्लेटियो के फुट हिल से ये फ्लो होना स्टार्ट होती है और तीन राज्यों को यानी तीन स्टेट्स को ये कवर करती है सबसे पहला है मध्य प्रदेश फिर है महाराष्ट्र फिर है गुजरात लास्ट में जाके ये गल्फ ऑफ खम्बात में यानी खम्बात की खाड़ी में जाके गिर जाती है जो कि अरेबियन सी का एक पार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है विंध्या और यह है सतपुरा इनके बीच से रिफ्ट वैली से होके नर्मदा रिवर फ्लो होती है सतपुरा रेंज के नीचे एक और रिवर फ्लो होती है उसे कहते हैं हम ताप्ती रिवर और विंध्या के ऊपर यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है कौन सी आ, माही रिवर तो मैंने आपको तीन नाम आ, रिवर्स के नाम बताए नर्मदा ताप्ती एंड माही ये तीनों रिफ्ट वैली से होके फ्लो होती हैं ये तीन रिवर्स हैं जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा तापी और माही रिवर अब तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहले है नर्मदा रिवर फिर है विंध्या रेंज फिर है ठीक सॉरी पहले है विंध्या रेंज फिर है नर्मदा फिर है सतपुरा फिर है ताप्ती रिवर ठीक है माही इनसे ऊपर पड़ती है तो नॉर्थ से साउथ सिक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है नर्मदा रिवर में दो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं ठीक है तो ये वाटरफॉल कौन कौन से हैं पहला है धुआंधार वाटरफॉल और तीसरा है कपिल धारा वाटरफॉल तो ये दो वाटरफॉल पड़ते हैं नर्मदा रिवर में नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनसुलर इंडिया यानी भारतीय प्रादीपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी ठीक है ये सबसे ज़्यादा लंबी नदी है जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर और सेकंड नंबर पर पड़ती है कृष्णा जिसकी लेंथ है 1300 किलोमीटर गोदावरी रिवर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूँ इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है एक तो बोलते हैं वृद्ध गंगा और दूसरा नाम है इसका दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ इसके अलावा इसकी जो गोदावरी रिवर की जो मेन सहायक नदी है ठीक है मेन सहायक है उसका नाम है मंजीरा रिवर ठीक है मंजिरा रिवर है और इसी नदी के किनारे 12 साल में एक मेला लगता है जिसको हम पुष्करम मेला कहते हैं ठीक है, है? पुष्करम मेला जो हर 12 साल में एक बार लगता है गोदावरी नदी के किनारे इसके अलावा इस नदी का जहाँ इस, इस नदी के किनारे जहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है इसका यह होता है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से और ये फ्लो होते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके इसी रिवर के किनारे पे ठीक है महाराष्ट्र में एक महादेव के बारह ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग हैं पूरे इंडिया में तो उसमें से पड़ता है त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है ये गोदावरी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है जब गोदावरी रिवर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पड़ती है ठीक है बे ऑफ बंगाल में तो यहाँ पर एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है कोरियंगा ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है, है? मैंग्रोव फॉरेस्ट एक मैंग्रोव एक वेजिटेबल वेजिटेशन होती है यानी वनस्पति होती है जो दलदली इलाकों में पाई जाती है और इसमें कई टाइप के क्या होते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं तो जो कि बहुत रेयर होते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा के मैंग्रोव जो कि पड़ता है सुंदरवन में ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट है अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड अलोंग द रिवर यानी अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है ये साबरमती रिवर के किनारे पर है जो कि अरावली के फुटिल से निकलती है और गुजरात से होकर फ्लो होके गुजरती है यह आप देख सकते हैं साबरमती यहाँ पर से ओरिजिन है और ये गुजरात से होके बहती है नेक्स्ट है विच रिवर सर्व्ज द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया यानी कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए यूज़ होती है तो ये होती है गंगा नहीं है ठीक है आपने गंगा के मैदान सुना होगा ठीक है उत्तर भारत के मैदान तो गंगा उन मैदानों में बहने वाली एक प्रमुख नदियों में एक है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया ठीक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यानी भारत में सबसे स्वच्छ यानी ताज़े पानी की झील कौन सी है ये है वुलर लेक जो कि जे यानी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है ये दुनिया की सबसे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है ये एक रामसर साइट भी है क्या है रामसर साइट जिसे 1990 में एक रामसर साइट बनाया गया था अब रामसर क्या है देखिए 2 फ़रवरी 1971 में ईरान ठीक है ईरान एक कंट्री है इसकी एक सिटी है रामसर क्या है रामसर तो यहाँ पे वेटलैंड्स को ठीक है वेटलैंड्स यानी जो दलदल दल वाली जमीनें होती है उनके कंजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी यानी एक ट्रीटी साइन की गई थी एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम रामसर साइट यानी वेटलैंड सम्मेलन भी कहते हैं ठीक है, है? यहाँ पर दुनिया भर में वेटलैंड्स की साइट बनाई गई जिन्हें रामसर साइट्स कहते हैं और इनके संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था तो वुलर लेक को 1990 में एक रामसर साइट बनाया गया था इंडिया में टोटल 46 रामसर साइट्स हैं जो फर्स्ट रामसर साइट बनाई गई थी वो बनाई थी चिली का लेक ठीक है चिली का लेक जो कि उड़ीसा में पड़ता है और दूसरा की लादियो नेशनल पार्क ये राजस्थान में पड़ता है तो इंडिया के फर्स्ट वेटलैंड्स यानी रामसर साइट्स कौन सी चिलिका लेक और की लाडियो देखिए वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है चिला लेक ये यहाँ पर है लगुन लेक है उड़ीसा में विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी तो भारत कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं ओरिजिनेट नहीं होती है ये होती है ब्रह्मपुत्र ठीक है ब्रह्मपुत्र हालांकि सतलुज भी इंडिया के बाहर से क्या होती है ओरिजिनेट होती है लेकिन यहाँ पर अभी ये ऑप्शन यहाँ पर अलग होना चाहिए था तो ब्रह्मपुत्र क्या है बाहर से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर तिब्बत वाले इलाके में पड़ता है मानसरोवर लेक इसी के पास में ठीक है मानसरोवर लेक के पास में से ही ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर एक पास पड़ता है मरियम ला पास यानी ला दर्रा पड़ता है तो उससे निकलते हुए ये तिब्बत से होके हुए इंडिया में एंटर करती है तिब्बत में इसे सांगपो यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है तो आपसे पूछ सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना या इंडिया में तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो ये सांगपो नाम से जाना जाता है फिर जब ये लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ये देहांग एक पास है ठीक है देहांग दर्रा है वहाँ से एंटर करती है तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग नाम से जाना जाता है फिर आगे जाके इसमें से एक रिवर लेफ्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है लोहित जब लोहित इसमें से मिल जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है आसाम में फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है कौन सी ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना नाम से जानते हैं किस नाम से जमुना नाम से जानते हैं बांग्लादेश में और गंगा देखिए ये गंगा फ्लो हो रही है ठीक है यहाँ पर से एक इसकी ट्रिब्यूटरी होती है डिस्ट्रिब्यूटरी सॉरी देखिए जो नदी मेन नदी में मिलती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं सहायक नदी और जो मेन रिवर से अलग हो जाती है ठीक है मेन रिवर ये फ्लो हो रही है इससे अलग होकर एक दूसरी नदी का निर्माण कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी तो है पद्मा ठीक है ये दोनों जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मिलती हैं तो ज्वाइन होने के बाद इसको मेघना नाम से जाना जाता है ठीक है पद्मा और जमुना को मेघना नाम से जाना जाता है फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया यानी पन बिजली परियोजना कौन सी थी भारत की फर्स्ट तो यह है शिव समुद्रम कर्नाटका में ये कावेरी रिवर के ऊपर बनी हुई है और 1902 में इसे कमीशन किया गया था नेक्स्ट है राजस्थान केनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर यानी निम्नलिखित में से किस नदी से राजस्थान नहर का पानी मिलता है तो राजस्थान नहर जिसे हम आजकल में ठीक है वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर है जो कि सतलुज और ब्यास नदी के संगम में ठीक है इन दोनों के संगम में एक बैराज है हरी के बैराज ठीक है यहाँ से निकलना स्टार्ट करती है और गुजरात लास्ट ये जाके ख़त्म हो जाती है तो और हरी के डैम कहाँ पर है ये पंजाब में मौजूद है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांस हिमालय देखिए जम्मू कश्मीर ये इलाका है ठीक है यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन रेंज पहला है काराकोरम जसकर लद्दाख ठीक है काराकोरम जस्कर लद्दाख और पीर पंजाल ये चार माउंटेन रेंजेस हैं इनसे ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं उसके बाद जो आता है फिर आता है ग्रेट हिमालय फिर आता है मिडिल हिमालय और फिर आता है शिवालिक रेंज तो ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियाँ आती हैं काराकोरम, लद्दाख जस्कर और पीर पंजाब तो सिंधु नदी जो है ये ट्रांस हिमालय से फ्लो होती है यहाँ पर ये इंडिया है यहाँ पर मानसरोवर लेक के आसपास एक जगह है वहाँ पर से इंडस नदी ओरिजिनेट होती है इसके अलावा सतलज रिवर भी ये मानसरोवर लेक के पास से निकलती है तो इंडस रिवर की पांच सहायक नदियाँ हैं झेलम चेनाब ब्यास सतलज और रावी नदी तो ये पांच इंडस रिवर की सहायक नदियाँ हैं इनका देखिए इंडस का जो ओरिजिन पॉइंट है ठीक है सोर्स यह है ग्लेशियर नीयर मानसरोवर तो मानसरोवर के पास में ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है झेलम बेरीनाग से निकलती है चेनाब बारालाछा और रावी और ब्यास रोहतांग पास से निकलती है सतलुज रिवर ये मानसरोवर के पास में एक लेक है राकस लेक वहाँ से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है ठीक है हिमाचल प्रदेश में ये शिप किला पास ठीक है यानी शिव किला दर्रे से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में इंडिया में कौन सी सतलुज नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज अ ट्रेडिशनल रीज़न फॉर टैंक इरीगेशन यानी टैंक इरीगेशन से सिंचाई करने के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में कौन सा इलाका जाना जाता है तो यह है तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु और कर्नाटका में टैंक से इरिगेशन होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो जब भी मॉनसून और इनि सीज़न आता है तो ये टैंक में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और अपना इरिगेशन या सिंचाई के काम करते हैं सो so फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप टेन इंडियन ज्योग्राफी के इंसिक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिवाइज करते रहिए बार बार देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएँ ठीक है और कभी भी आपसे जो भी देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन जो उसकी एक्स्ट्रा जानकारी है उनसे भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं तो इसीलिए ये वीडियो जब आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इफ़ न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय